वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान के ऊपर। दुखी है, परेशान है, हाफ रहा है, सब कुछ पा लिया, हासिल कर लिया, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बना ली रहने के लिए, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, बैंक बैलेंस बना लिया, FD बना ली, सोना जेवरात बना लिया, पैसा कमा लिया खूब, रहने के लिए आलीशान बंगले तैयार कर लिए, फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है, फिर भी देखोगे आप अपने आसपास हाय तोबा है सुबह शाम की, भाग रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। इंटरनेट इजाद कर लिया, इंटरनेट बना लिया, फोन के ऊपर आप घर बैठे आज कुछ भी मंगवा सकते हैं, इतनी सुख सुविधाएं, फिर भी दुखी है, परेशान है। वीडियो कॉल करें आप अपने रिलेटिव्स को अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हुए, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, इतनी सुख सुविधा है, फिर भी परेशान है, दुखी है। अमूमन तौर पे दोस्तों हम बात करते हैं ना कि हमारे फैमिली के अंदर या हमारे फ्रेंड सर्किल के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास खूब सारा पैसा होता है, मोटी आसामी बोलते हैं उसको पंजाबी के अंदर। आप अगर उसके पास जाके बैठेंगे ना, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि यार उसके पास खूब सारा पैसा है, वो बहुत सुखी है, लग्जरी गाड़ी में आता है आपसे मिलने के लिए, BMW में आता है, 3-4 माले की बिल्डिंग है रहने के लिए, गुच्ची अरमानी की शर्ट पहनता है, राडो की वॉच पहनता है, महंगे से महंगे शूज पहनता है, तो हम ये सोचते हैं यार बंदे के मजे हैं, यार कितना मजे में जिंदगी काट रहा है। फिर भी अगर आप उसके पास जाओगे ना, फिर भी वो आपको अपने जिंदगी का कोई ना कोई दुख आपसे वो शेयर आपको बोलेगा, जाहिर कर देगा। हम सोचते हैं यार इतना पैसा है फिर भी दुखी है, परेशान है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इंसान दुखी रहता है, उसका कारण क्या है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, फिर उन्हीं एग्जांपल्स में से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चक्कर क्या है, क्या माजरा क्या है। दोस्तों, मैं और मेरी वाइफ हम बाजार जा रहे थे, मैंने जलेबी बनते हुए देखी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी खा लूं, ठंड का मौसम है। मेरा एक दोस्त है, वो यूरोप गया घूमने फिरने के लिए, वापस आया, उसने मुझे बताया स्विट्जरलैंड के नज़ारे, फ्रांस जो कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वहाँ की ऊंची बिल्डिंगों के बारे में बताया, और यूरोप टूर के उसने मुझे सारे अपने दिखाए फोटोग्राफ्स। मैंने सोचा, मेरे मन में ख्याल आया यार मेरा भी मन कर रहा है मैं यूरोप होके आऊँ। मेरा एक दोस्त है, ग्राडो की वॉच ले आया, अंदर ख्याल पैदा हुआ मन के अंदर यार काश मेरे पास भी होती। और भी ऐसी रोजमर्रा के अंदर खूब सारी चीजें हैं जो हमारे मन के अंदर ख्याल पैदा करती हैं, काश मेरे पास भी होता, मेरा भी मन करता है। तो आपने कुछ नोटिस किया होगा मेरी बातों के अंदर से, एक वर्ड आया कॉमन, मन। तो इंसान जो दुखी है, परेशान है, उसका कारण इंसान खुद है, ये मन है जो हमें दुखी करता है। अच्छा, अब ये मन होता क्या है, ये कहाँ रहता है, ये करता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर ये हमारे दिमाग से खेलता कैसे है वो मैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये क्या करता है कि हमारे दिमाग में एक टारगेट सेट करता है कि मुझे ये अचीव करना है। अब आप थोड़ा ध्यान देना, मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया, फिर हमारा मन हमारे दिमाग के अंदर एक नया टारगेट सेट कर देता है, फिर हम सुबह उठ के उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा कि अगर मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैं दुखी, मैं परेशान कि यार वो मुझे नहीं मिला, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, अंदर एक गिल्टी रहती है, काश मुझे वो मिल जाता, काश मेरे पास ये होता। इंसान दुखी है, अगर वो मिल गया तो कुछ नए चीज के लिए भाग रहा है, वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा, उसके लिए दुखी है, उसके लिए परेशान है। तो ये जो मन है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है और दुश्मन भी है। दोस्त कैसे है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो मन है ना, ये हमारे साथ में खेलता है, ये कंट्रोल में कैसे आता है, इसको कंट्रोल में करके हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत आसान है। इसको कंट्रोल में करके हम अपनी जिंदगी में सुख कैसे ला सकते हैं, बहुत आसान है, पर बात है अमल करने की, सोचने की, समझने की। ये जो मन है यही हमारे दुखों का कारण है, ये हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं
नई नई महत्वाकांक्षाएं हमारे दिमाग के अंदर डालता है, वो नहीं मिलती, इंसान दुखी होता है। भाई कोई भी आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हमारी जिंदगी कितनी है, 50-60 साल, 60 साल, और कोरोना ने तो हमारे दिमाग के ढक्कन खोल दिए कि अब कोई उम्र नहीं है। 20 साल का नौजवान भी मरते हुए देखा, 60 साल का भी देखा, 10 साल का मरते भी देखा, इंसान का भरोसा नहीं है। फिर भी आप देखो कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गुरबाणी है, उसके अंदर इंसानी शरीर को सबसे कीमती चीज बोला गया है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए इंसानी शरीर सबसे कीमती है, सबसे दुर्लभ है। फिर भी हम उसको गवाते हैं बैंक बैलेंस में, प्रॉपर्टियों में, और ये कौन करता है, ये हमारे साथ खिलवाड़ कौन करता है, हमारा मन। पहले बताया था आपको मैंने, ये मन है क्या, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है रोज, आज मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मिल गया तो नई महत्वाकांक्षाएं, नई हमारी हमारे टारगेट हासिल करने के, नहीं मिला तो दुखी, तो दुखी दोनों तरफ से ही है। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, मैं भक्ति मार्ग को फॉलो करता हूं, और मेरी जिंदगी में भक्ति मार्ग को फॉलो करने से क्या चेंजेस आए, मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने क्या पाया, मुझे क्या अनुभव होते हैं डेली रूटीन में, सुबह से शाम तक और रात में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे करके। और मेरा जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरे गुरु हैं, और गुरु नानक साहिब जी का मैं सिख हूँ। डेली कोशिश करता हूँ कुछ सीखने की, और कोशिश करता हूँ कि मैं गुरबाणी को फॉलो करूँ, और जो भी मेरे आसपास लोग रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गुरबाणी हैं, और भी जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, वेद हैं, कुरान है, उनकी अच्छी बातों को मैं ऑब्जर्व करूं और आप तक पहुंचाऊं। ये मेरा छोटा सा मेरा ब्रीफ है, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो दोस्तों, और आप जरूर शेयर करना, और आप अपने दोस्तों में शेयर करना, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन को लेकर मेरे क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूं, और आपके क्या व्यूज हैं उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला।